Hi everyone, hello and welcome to Amol Facebook Live. My name is Hina, I'm from Delhi और आप सब लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और आज की जो रेसिपी है उसमें मैं बना रही हूँ सीरा पूरी और फ्राइड आलू. ये एक सिंधी ट्रेडिशन का ये एक सिंधी रीजनल फूड है जिसमें कॉम्बिनेशन ये खाया जाता है, जैसे पूरी और फ्राइड आलू और साथ में सीरा. सीरा मींस हलवा. तो आज हम बनाएंगे सेवियों का हलवा, साथ में हम बनाएंगे फ्राइड आलू और बनाएंगे हम साथ में पूरी. तो ये मीठा और स्वीट सेवरी का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत ही टेस्टी होता है. तो आप लोग भी ज़रूर एक देखें और ट्राई करें. तो यहाँ मैंने क्या किया है, सबसे पहले जो मैंने प्रेप किया है वो मैंने किया है कि मैंने ये जो आलू है इनको पील करके कट कर दिया है. अब हम इसके ऊपर सॉल्ट लगा के इसको फ्राई करेंगे. होती बिल्कुल सिंपल है बट जो कॉम्बिनेशंस का बनता है और जब ये जब मिक्स करके खाया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है. तो हर एक किजीन डिफरेंट किजीन होती है. तो सिंधी किजीन में इस तरीके से स्वीट एंड सेवरी कॉम्बिनेशंस का टेस्ट होता है. तो जिन जिन्होंने नहीं ट्राई किया वो ट्राई कर सकते हैं. तो आप लोग को भी मालूम पड़ेगा कि कैसे इस कॉम्बिनेशन का टेस्ट कैसा होता है. तो अब मैं यहाँ पर कैमरा को वो कर देती हूँ. हाँ, तो यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है और हम देख लेते हैं कि ऑयल गरम हुआ है या नहीं. एक पोटैटो डाल के अभी नहीं हुआ है तो यहाँ पर मैं ऑयल को गरम करने रख देती हूँ. निकाल लेते हैं, तब तक हम देख लेते हैं किस किस ने ज्वाइन किया है. हेलो एवरीवन, सो हाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. हेलो मिस्टर रमेश, हेलो कुमार, चंचल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. तो किस किसने इस कॉम्बिनेशन के बारे में सुना है या ट्राई किया हुआ है वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं. ओके, तो यहाँ ऑयल गरम हो रहा है, तब तक हम वेट कर रहे हैं कि और पटेटोस में भी अगर हमने सॉल्ट लगा दिया तो हमें 5 मिनट्स तक वेट करना चाहिए जैसे अच्छी तरह आलू के अंदर नमक चला जाए. और उसके बाद हम लगा लेंगे आटा. यहाँ मैंने आटा अभी अभी गूंद कर रखा है तो आप ये देखेंगे ये बिल्कुल हार्ड डो गूंदा है. इसमें मैंने 1 कप ऑफ आटा लिया है. इसमें मैंने 1 कप ऑफ आटा के साथ 1/4 कप ऑफ फाइन सूजी डाली है और साथ में सॉल्ट और जीरा, बस दैट्स ऑल. और एक हार्ड डो मैंने गून लिया है, इस तरीके से हार्ड है ये. तो इससे हम बनाएंगे पूड़ी जो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी. और आलू के अंदर जो हम मसाले लगाएंगे वो बिल्कुल सिंपल मसाले लगाएंगे. और हलवा बनाएंगे हम सेवियों का, तो सेवियों का हम मीठा हलवा बनाएंगे. हमारे यहाँ कोई भी हलवा को सीरा कहा जाता है. जैसे अगर आटे का भी बनाएंगे तो उसको भी सीरा ही कहेंगे, तो बोलेंगे आटे का सीरा या सूजी का सीरा, या अब से कोई भी मीठा हलवा बनाएंगे तो उसको सीरा कहा जाता है. तो अब यहाँ मैं चेक कर लेती हूँ ऑयल गर्म हुआ है या नहीं. हो गया है, तो यहाँ मैंने पैन इंडक्शन की तरह बी केयरफुल फ्राई करते वक्त के छीटा ना आ जाए, ध्यान से आपको फ्राई करना है. इट्स बेसिकली नोइंग डिफरेंट क्विजीन. सबकी क्विजीन में बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे अमेजिंग कॉम्बिनेशंस होते हैं. तो आप लोगों ने कौन कौन सी क्विजीन ट्राई करी हुई है आप लोग बता सकते हैं, उसका कौन सा कौन सी रेसिपी आप लोगों को पसंद है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं.
कि अमूल के फेसबुक पेज पे हम सिंपल होममेड सीरीज कर रहे हैं, तो मैंने सोचा सिंपल हो इनोवेटिव तो हमने बहुत बना ली, लेकिन सिंपल जो हम लोग अपने घरों में बनाते हैं वो क्यूजीन भी हम आपको दिखाएं कि हम लोग कैसे बनाते हैं। इनोवेशन तो बहुत बना ली और बहुत दिखा ली, तो अब मैंने सोचा कि सिंपल होममेड जो फूड होता है ये रॉ पोटैटो है, ये रॉ पोटैटो है, इसको हमने सॉल्ट लगाकर फ्राई कर लिया है। पहले मैंने इसको छील कर पानी में रख दिया था कि वो काला ना पड़ जाए। अगर आपको थोड़ी देर हो उसको पकाने में तो आप पानी में डिप करके रखें, इससे क्या होगा कि आलू काला नहीं पड़ेगा। और जब आपको बनाना है आप पानी ड्रेन करिए, उस पर सॉल्ट लगाइए और उसको आप फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ आलू फ्राई हो रहा है, तो यहाँ मेरे पास एक स्टोव है लाइक इंडक्शन, तो मैं आलू फ्राई करने अंदर किचन में गैस पर रख देती हूँ, तब तक हम स्टार्ट करेंगे हलवा बनाना, सीरा बनाना। तो यहाँ मैंने आलू को ढक दिया है और मैं इसको रख दूंगी। और हम रख देंगे यहाँ पर पैन, इसमें हम बनाएंगे हलवा, सेवियों का हलवा, उसको हम सीरा कहते हैं। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम सेवियों का हलवा बनाना। तो हलवा बनाने के लिए व्हाट बेटर देन अमूल घी, तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच अमूल घी डाला है। और जैसे ये थोड़ा गर्म होगा मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये सेविया। यहाँ ये घी गरम हो रहा है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी सेविया और इसको हमें रोस्ट करना है घी में। मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगी सेविया को, बिकॉज पैन इज वेरी बिग और इसमें इतना कम क्वांटिटी बन नहीं रहा। तो इस तरीके से मैंने सेवियों को थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर लिया है, तोड़ लिया है, बिल्कुल लंबा लंबा नहीं रखा है। तो ये अच्छे से रेड हो जाएंगी ना, हमें तब तक इसको भूनना है, इसमें एक अच्छा सा कलर और एरोमा आ जाए। तब तक हम इसको थोड़ा हिला लेते हैं, टर्न कर लेते हैं, ध्यान से करना है, जल्दी नहीं चाहिए ये। तो ये बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंट हो गई है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और थोड़ी थोड़ी ये इसका कलर भी चेंज हो गया है, रेड करना है हमने इसको, गोल्डन रेड कलर देना है। इसमें एक बहुत अच्छा कलर आ गया है और थोड़ा सा मैं फ्लेम को कर दूंगी कम। अब हम इसमें डालेंगे पानी,
यहाँ मैंने पहले हम हाफ कटोरी पानी डालेंगे, पूरी फुल कटोरी जितना हमने सेविया लिया है उतना ही मैंने इसमें पानी लिया है। तो ये अब हम इसको इसमें गला लेंगे। जो सेविया है वो कच्ची नहीं रहनी चाहिए, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जानी चाहिए। लेट्स कुक, ये गल जाए जब तक। जब तक ये सेविया गल रही हैं हम पूड़ियां बेल लेते हैं। भुनी हुई सेवियों का बहुत अच्छा एरोमा होता है। आप देखेंगे ये ऐसे सॉफ्ट हो गई है बिल्कुल। जब तक इसका पानी सारा खत्म हो जाए हमें तब तक इसको कुक करना है। तब तक हम नट्स चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नट्स को चॉप कर लूंगी। सेवियों में डालने के लिए मैं थोड़े से बादाम डाल रही हूँ। नट्स आप कोई भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर सिर्फ आमंड डाल रही हूँ। ये भी हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पानी ऑलमोस्ट इवैपोरेट हो गया है इसका। पानी इसका अच्छे से फिनिश हो गया। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे शुगर। यहाँ पर मैंने हाफ कटोरी शुगर लिया। और इसको हम अच्छे से शुगर मेल्ट हो के, जब शुगर का भी पानी सूख जाएगा उतना हमें कुक करना है। इस तरीके से सेवियों का हलवा बनता है। इसमें हमें तब तक भूनना है जब तक इसका जो भी सारा पानी है वो इवैपोरेट हो जाए। कंटिन्यूस चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। मैं इसको डाल दूंगी एक बोल में। ये हलवा हमारा बन गया है तो मैं इसको निकाल दूंगी एक बोल में। उसके बाद हम करेंगे इसकी बाद में प्लेटिंग। तो यहाँ पर अब मैं ले आती हूँ आलू को जो हमने बनाए थे।
तो यहाँ पर ये जो आलू है ये ऑलमोस्ट हमारे बनने वाले हैं। जब तक ये पूरे टेंडर ना हो जाए हमें तब तक इसको फ्राई करना है। तो हम चेक कर लेंगे कि ये गले हैं कि नहीं। मैं यहाँ पे नाइफ से देख लूंगी, थोड़ा सा 2 मिनट्स और। तो यहाँ आलू फ्राई हो गए हैं, इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ आलू ऑलमोस्ट हो गए हैं, इसको निकाल लेंगे। और गरम गरम में ही हमें इसके ऊपर ड्राई मसाले डालने होते हैं। मसालों को हम ज्यादा कुक नहीं करते, लेकिन जब मसाले डालेंगे तो ये आलू एकदम गरम होने चाहिए, लाइक बिल्कुल निकले हुए आलू के ऊपर हम मसाले डालेंगे, जिससे आलू की गर्माहट में ही मसाले पक जाते हैं। तो ये फ्राइड होता है, टेम्परेचर काफी हाई होता है फ्राइड आलू का, तो इसके ऊपर जब हम मसाले डालेंगे तो वो कच्चे नहीं लगते। ये बेसिकली ध्यान रखना होता है, ये नहीं कि आप फ्राई आलू करके रख दें और उसके बाद ठंडे होने के बाद मसाले डालें, नहीं ऐसा नहीं। पहले उसी टाइम गरम जैसे ही निकलेंगे उसी टाइम हमको उसके ऊपर मसाले डालकर टॉस करना होता है। तो यहाँ मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर आधा चम्मच, और थोड़ा सा हल्दी 1/4 स्पून। और अब हम इसको ऐसे करेंगे टॉस। तो इसी तरीके से हम लोग अपने घर में बनाते हैं, इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे मैं अच्छे से। तो आप देखेंगे मसाले उसके गर्माहट में मसाले अच्छे से उसके ऊपर लग गए हैं और पक भी गए हैं। इतना इसका ऐसा ही टेस्ट होता है। किसी को अगर ज्यादा ना पसंद आए इस तरीके से तो वो एक बार कढ़ाई को खाली करके उसके ऊपर उसको घुमा भी सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स अपॉन, कोई करता है कोई ऐसा नहीं करता, बट हमारे घर में ये इसी तरीके से बनाया जाता है। तो अब हम बनाएंगे पूड़ी। यहाँ मैंने प्लेट में हलवा सर्व कर दिया है, साथ में हम सर्व करेंगे आलू, फ्राई आलू, और उसके साथ हम सर्व करेंगे पूड़ी। आप देखेंगे ये आलू और हलवा बन गया, मीठा और सेवरी का कॉम्बिनेशन विद फ्राइड पूड़ी, बहुत ही अमेजिंग होता है। तो अब आटे को मैंने गूंद के रख लिया था, 15-20 मिनट हो गए हैं इसको रेस्ट करे हुए। अब मैं इसको अच्छे से स्मूथ करके इसमें से छोटी छोटी पूड़ियां हम लोग बना लेंगे। आटे में मैंने डाला है 1 कप ऑफ आटा, 1/4 कप ऑफ सूजी, थोड़ा सा पिंच ऑफ जीरा, सॉल्ट,
हम बनाएंगे इसके साथ पूरी। मैंने ले लिया है ये, चेक कर लेते हैं कि गर्म हुआ है कि नहीं। ये गर्म हो गया, बहुत ही अच्छे हमारी क्रिस्पी फूली फूली पूड़ियां बनी है। इंडक्शन पे स्मोकिंग पॉइंट थोड़ा सा कम रहता है, तो जो पूड़ियां वगैरह गैस पर अच्छी बनती है ना, वो इंडक्शन पे इतनी ज्यादा थोड़ा बनने में टाइम लगता है। तो यहाँ ये मैंने प्लेट पर ये पूड़ी को रख दूंगी तरीके से, और एक और पूरी डाल देंगे हम इसमें। Hi everyone and thank you everyone for joining. यहाँ देखेंगे आप बहुत ही अच्छी फूली फूली और क्रिस्पी पूड़ी बन रही है हमारी, जिसको हम सर्व करेंगे सेवियों के हलवे के साथ और फ्राइड पटेटोस के साथ। तो आप लोग अपने घरों में जरूर बनाएं और ट्राई करें इस कॉम्बिनेशन को, बहुत ही टेस्टी लगता है स्वीट एंड सेवरी का कॉम्बिनेशन विद पूड़ी। फेस्टिवल टाइम है तो न्यू क्यूज़ीन्स ट्राई करें। तो यहाँ पर ये हमने पूरी सेवियों का हलवा एंड दिस इज फ्राइड पोटैटोस, तले हुए आलू, तो आज मैंने ये रेसिपी बनाई है हमारी कुजीन की, सिंधी कुजीन की। तो आप लोग देख सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं और बता सकते हैं मुझे कि आपको ये डिश कैसी लगी। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय इंस्टा पेज इज हीना वलेचा सॉरी फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टा पेज इज हीना वलेचा। एंड थैंक यू अमोल फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म एंड थैंक्स एवरीवन फॉर जॉइनिंग। हैप्पी फेस्टिवल टाइम, बाय बाय, एल एंड द सेशन। कल फिर मिलेंगे 5 बजे एक नई रेसिपी के साथ।